परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है, जिन्हां ने समय समय ते आके परमात्मा दे हुकम विच साडे तपदियां आत्मा नूं ठंड वरताई, आपदी भगती दा दान बख्शिया, अपनी याद विच बैठण दा सानूं मौका दिता है। उस महान गुरु दे भंडारे दी संगत नूं करोड़ां वार वधाई है। ऐसियां महान हस्तियां संसार दे विच आउणियां हन, उन्हां दी अपनी इच्छा संसार विच आउण दी नहीं हुंदी गी, परमात्मा दे हुकम विच आउणियां हन। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी कि मेरा दिल नहीं करदा सी मैं संसार विच जावां, पर वो परमात्मा दा मैं हुकम मोड़ ना सकिया, उहदे हुकम विच आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आया जब तमाशा। वो संसार में एक तमाशे के रूप में देखते हैं, ना ये उन्होंने कोई गमी होंगी है ना खुशी होंगी है, क्योंकि वह तो एक प्रभु का हुक्म बजाने वास्ते आते हैं। धन कुल होंगी है, गुरु नानक कहते हैं, जिदे ऐसा सूरमा बहादुर बच्चा आता है। धन माता होंगी है, जिस दी कुख नूं इस भाग प्राप्त हुंदा है, पैदा सूरमा लाल पैदा करन दा मौका मिलदा है। तां ओ महान आत्मा जो परमात्मा दे हुकम विच आउंदी है, जो दुनिया दी मान वड्याई विशे बकारां नूं लत मार के परमात्मा दी भगती करदे है, परमात्मा उहनां नूं की वरदान दिंदा है, की उन्हां नूं अनाम दिंदा है कि अपने घर अंदर उन्हां नूं दाखल करदा है, बल्कि जो प्यार नाल श्रद्धा नाल उन्हां दे दर्शन कर जांदे है, उन्हां नूं भी इस भाग प्राप्त हो जांदा है परमात्मा दे पास पहुंचण दा, जमां दी तलब तों बच जांदे है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, धन धन कुल धन धन जननी जिन्हें गुरु जनिया माए, धन धन सतगुरु जिन्हें नाम आराध्या, आप तरिया जिन्ना डिठा तिन्हां ले छुड़ाई। गुरु रामदास ने भी कहा कि जिन हर हिरदे नाम न वसिया, तिन मात की जा हर वांझा। इंसान दा जामा पा के गुरु रामदास कहिंदे है, जिस दे अंदर नाम दी अभिलाषा ना होई, नाम ही परमात्मा ने उहदे मस्तक दे विच नहीं लिखिया, तो कहिंदी ओह वी मां वांग क्यों ना बैठी रही। कबीर साहिब कहिंदे है, जननी जने ता भगत जन, या दाता जां सूर, नहीं ता जननी वांझ रहे कहे गुआए नूर। महाराज दा जन्म 6 फरवरी दा सी। महावारी सत्संग ऐतवार दा हुंदा है, क्योंकि संत इन्हां चीज़ां दे कोई पाबंद नहीं हुंदे गे। महाराज खुद ही कहिंदे हुंदे सी, सच्चाई ते इह है कि महात्मा दा याद विच बैठना रोज़ ही उन्हां दा जन्मदिन हुंदा है, उन्हां दा सच्चा जन्मदिन मनाउणा, अपनियां गलतियां दा सुधार करना, उन्हां दे दसे हुए मार्ग दे उत्ते चलना ही मनाउण हुंदा है। सो तुसी गौर नाल जो कुछ सत्संग विच सुणदे हैं, सानू जो उपदेश दे गए है कि किस तरह परमात्मा की भगती करनी क्यों जरूरी है, उन्हां दा बचन सानू हमेशा पल्ले बनना चाहिए है। जिहड़े कहिंदे सी 100 कम छड़ के सत्संग विच जाओ, 1000 कम छड़ के तुसी अभ्यास भजन दे विच बैठ जाओ, वो कहिंदे हुंदे सी उन्ना चिर तुसी तन नूं खुराक ना दे लो दो, जिन्ना चिर तुसी आत्मा नूं खुराक ना दो। तन नालों करोड़ां दर्जे आत्मा की खुराक वास्ते सोचो दो, क्योंकि साड़ी आत्मा कमजोर है,
लेकिन असी आत्मा की कमजोरी कहीं देखते दे नहीं, यदि फरियाद नहीं सुनते। हाँ भाई, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया। राह विच आईया जिन्निया ज्यादा दुश्वारियां, राह विच आईया जिन्निया ज्यादा दुश्वारियां, उन्निया ही पक गईया गुरु नाल यारियां, उन्निया ही पक गईया गुरु नाल यारियां। नाम नाल भी दिल लाके देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया। कई जन्मां विच लखां गुना असी कीते, कई जन्मां विच लखां गुना असी कीते, पर जहर प्याले असी पीते, पर जहर प्याले असी पीते, तेरी खातिर मर के जी के देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया। गल्लां दिल दिया दिल विच ही रह गईयां, गल्लां दिल दिया दिल विच ही रह गईयां, मजबूरियां दिल दिया सब कुछ कह गईयां, मजबूरियां दिल दिया सब कुछ कह गईयां। असी दुनिया तो मन नू मोड़ लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया। लखां जप तप असी जीवन विच कीते, लखां जप तप असी जीवन विच कीते, तूणिया तपाइया नाल जल तार कीते, तूणिया तपाइया नाल जल तार कीते, अजायब किरपाल सहारे होके जम्मन मरनन बेड़ लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया, देख लिया असी देख लिया लाल सावन दा देख लिया। थोड़े अगे गुरु नानक का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी। किसी भी संत सतगुरु की बाणी विचारन योग होंदी है। एक एक लफ्ज़ का अगर आप कोई मुल पाइए पाए नहीं सकते गे, क्योंकि अगर साढ़े दिल विच एक तुक भी बैठ जाए वह जिंदगी पलट के रख दिंदी है। वैसे तो भावें असं सारी जिंदगी पढ़ते रहिए कोई फायदा नहीं गा। सो गुरु नानक देव जी महाराज आपके तजर्बा बयान करते हैं कि सारी दुनिया उल्टे राह पई हुई है, जप तप करना, पूजा पाठ करना, बाहर विद्या पढ़नी,
जो कुछ भी असीं बाहर रीति रिवाज करते हैं कर्म कांड है ये सारा ही गुरु नानक साहब कहते हैं उलटारा है, क्योंकि परमात्मा जिसकी सानू सब नूं तलाश है, जिसकी साड़ी आत्मा अंश है, वो साडे शरीर के अंदर है। जितना चिर सानू कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलता गा कि जेड़ा खुद अंदर जाता है, जिन्हें जिंदगी विच ये मसले नूं हल कर लिया है, असी उहदे दसे हुए उपदेश ते चलते नहीं गए, उतना चिर कदे भी असी ना परमात्मा नूं मिल सकते हैं, ना आत्मा नूं शांति दे सकते हैं, ना साड़ी जिहड़ी भटकना वह मिल सकती है। महात्मा भी दो प्रकार के होंगे है, एक का रस्ता अखां तक है, एक का अखां तो उपर है। साढ़े शरीर के छे चक्कर है, नौ दरवाजे है, ये जिहड़े नौ दरवाजे हैं ये बाहर की तरफ खुलते हैं, जो दसवां परमात्मा ने अपनी तरफ जिहड़ा उहदे खुलता है उत्थे उसने बजर का कबाड़ ला के सानू बाहर कढ दिता है, हुण असीं बाहर ही बस असीं फिरदे हैं। सो जिहड़े छे चक्करां च महात्मा रह जांदे हैं, जिहड़े चार जमातां पढ़े हैं उन्हां नूं दसवीं वाले का की पता है, वह चार पढ़ के कहूगा कि इलम इंतहा है, बहुत है। जिहड़ा दस पढ़िया है वह दसदा ही कहेगा, जिन्हें एवं पास की है उसनू पता है दस वाले नूं की इलम है कि एवं पास की डिग्री दे की फायदे होंगे है। इस तरह जिहड़े महात्मा नौ द्वारियां ही भटक रहे हैं और बाहर रीति रिवाज के उलझे हुए है, वह सानू किस तरह अंदर ले जा सकते हैं, या वह किस तरह सानू अंदर ले जाने का साधन और तरीका दस सकते हैं। महाराज जी कहते होंगे सी पढ़िया पढ़ा सकता है, पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है, जिहड़ा खुद नहीं पढ़िया वह सानू की पढ़ावेगा। इस वास्ते जिहड़ा खुद नहीं अपने मन को आत्मा के पंजे तो आजाद कर सकया वह सानू किस तरह साधन दसेगा। सो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि यह करने का मजबूर है, ना यह किसी चतराई ना पा सकते हैं, ना गल्ला ना पा सकते हैं। अगर चतराई ना मिल जाता तो इन चतर लोग पा लेंगे, अगर पढ़ पढ़ाई ना मिल जाता तो भोले लोग रह जाते। पढ़े लिखे सारा नो पहला रावण नू मिल जाना सीगा, सानू पता है कि रावणी टीका बड़ा मशहूर है, और लेकिन उहदा मन वस विच नहीं सीगा। अगर उहदा मन वस दे विच हुंदा आपदा सर्वनाश क्यों करवाउंदा, प्राणियां औरतां नू क्यों अपने घर चुक के लिआउंदा, उहदे मन में शांति नहीं सी तद ही उह। सो पढ़िया तो वह भी बहुत सीगा। सो महात्मा सानू दसदे है चार अठारह नौ पढ़े खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिन ज्यों पंछी चंडूल। चाहे कोई प्रेम प्यार ना अठारह प्राण पढ़ ले, चारे वेद पढ़ ले, खट शास्त्र पढ़ ले, होर भी कोई ग्रंथ पढ़ लवे, कहन लगे अगर सुरत शब्द का अभ्यास नहीं करता, सुरत शब्द के नाल नहीं जुड़ी तो चंडूल जानवर वर्गा है। चंडूल जानवर एक ऐसी चिड़िया होंगी है जिहड़ी हर जानवर की नकल कर लेंदी है, उहदी बोली बोल लेंदी है। ऐसा ही है असीं ज्यादा पढ़ लिख के ज्यादा जवानों के माहर हो जाने हैं कि मैं इतनिया बीस जमातां जवाना जानता है, मैं दस जवाना जानता है, लेकिन तुसी देख लो ऐसे बंदियां दे पास बैठ के कि उन्होंने शांति है बल्कि हंकार है कि मैं इसमें ज्यादा विद्वान है। अक्सर देखीदा है कि विद्वान लोग किस तरह कुकड़ा की तरह एक दूसरे को नीवा दिखाते तो तुले होंगे है। गुरु नानक कहते हैं जेता पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ पवया तेतो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सौ दे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया।
तो आप प्यार ना कहते हैं, ज्यादा पढ़ के भी बहस वास्ते की आदत पै जाती है। संतों का यह मतबल नहीं कि असी पढ़िए ना, पढ़ना बड़ा अच्छा है, पढ़ने के नाल दुनियावी भविष्य अच्छा बन जाता है, सानू दिल के अंदर खुलपण आ जाता है, खुद भी असी समझने की कोशिश करिए तो समझ सकते हैं। पर जे असी पढ़ लिख के गुरु नानक के कहन की तरह किसी ने जिदे हैं झगड़ते हैं, वह पढ़ पढ़ाए का की फायदा होगा। जेता पढ़िया तेता कढ़िया, जिन्ना भी असी तीर्थां दे उत्ते जादे जाने हैं उन्ने जादे अंदर भटकना हो जाती है कि मैं प्राग तां जाया है, अगे मैं होर किसी तीर्थ ते जावां। तुसी देख लो तीर्थां वाले जे एक मेले ते जांदे नहीं, दूसरे नूं तैयार हो जांदे है। कोई किसी थां कहिंदा मेरी मस्या लग जाए, कोई कहिंदा मेरा किसी थां कुंभ लग जाए। तुसी देख लो किसी दी ना किसी थां कोई श्रद्धा है, ना कोई उत्थे जिहड़ा पानी है वह शांति दे सकता है। पानी चाहे अपना है चाहे पराया है, प्यारे बदन की मैल ही ला सकता है। गुरु साहब कहिंदे आ, भरिया हथ पैर तन दे, पानी धोत्या उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे सबून लईआ ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपा नावा के रंग। कहिंदे जिहड़ी पापा ने मत तुहाडी लिबड़ चुकी है, वह तो भाई नाम ना ही तुहाडी साफ हो सकती है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, जिन्हें तीर्थां ते जाता है उन्ना ही ज्यादा अंदर भटकना हो जाती है। तो बहुत भेख किया, हुण जिहड़े असी बाहर भेख बना लेने हैं कि जी साडा भेख अच्छा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कोई नीले पहन ले, कोई सफेद पहन ले, कोई भगवे पहन ले, इहदा आत्मा नाल तां कोई तुलक नहीं गा, इह तां शरीर का पहरावा है। किसी तरह के कपड़े ना तुसी ढक लो, मता दिल दे विच ख्याल आवे कि शायद लीले पा के सानू शांति आ जाएगी, या भगवे पा के शांति आएगी, या चिट्टे पा के शांति आएगी। तो प्यारे हो जे पहरावे नाल ही शांति आउंदी तो एदो सस्ता होर सौदा किहड़ा सीगा। बल्कि गुरु गोबिंद सिंह तां कहिंदे आ, भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन, अंत काल काती कटियो वास नरक नो लीन। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि बहुत भेख किया देह ही दुख दिया, सोवे दिया अपना किया, अन्न ना खाया। बहुत सारे लोग बड़े लंबे लंबे वर्त रखते हैं, दो दो महीनों के वर्त, एदे भी ज्यादा ज्यादा वर्त अखबारों च पढ़ते हैं, ज्यादा रखते हैं। और उहदे नाल की हुंदा है, मूंह का जिहड़ा जायका है वह खराब हो जाता है। मैं खुद यह साधन किया है और वह साधन हुण जो मैं यही कारण है कि मैं खाना खाना है तो बलवंत खाना तैयार करती हुंदी है। कई बार दिल दे विच उहदे ख्याल हुंदा है कि कोई ना कोई टोकन, मैं हसदा ना पुत जिहड़ी मैं सुणाउंदा हुंदा सत्संग दे विच, मेरी अपनी ही है कि अन्न ना खाया साध गवाया। भुखे रह रहे कि लोग अपने मूंह का स्वाद खराब कर लेंदे हैं, वो टोकन की विचारे। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि असी सोचते खुद वर्त रखण नाल या भुखे रहण नाल परमात्मा मिलेगा। तो प्यारे बच्चे दुध ही पीते हैं, बच्चों को मिल जाना चाहिए सीगा। सो इस वास्ते महात्मा सानू दसते हैं कि उसनों असी सोचना है कि वर्त का की मतलब है, की महात्म है। वर्त का मतलब संयम, कि थोड़ा बहुत रोज पेट आंदरां नूं भी थोड़ा बहुत शांति देने वास्ते ते तुसी संजम च खाना खा लो, थोड़ा खा लो। लेकिन आम तौर ते असी की करदे हैं, ऊं तां असी वर्त रखदे हैं, खास ही दुगना जाने हैं। चंगे उहदे 10 रुपया का दुध पी जांगे तो 2 रुपया का खाना नहीं खांदे। फिर साडा घरदिआं दे उत्ते हुंदा, लो जी असीं तां वर्त रख्या, असीं तां अज फल फ्रूट ही खाणा है। तो इस वास्ते महात्मा प्यार नाल कहिंदे है कि प्यारे जो वर्त रखण नाल भी परमात्मा मिलदा, इहदे उत्ते सस्ता सौदा किहड़ा हुंदा है। तो आप गुरु नानक कहिंदे है शब्द दे विच, इह सारियां चितराइयां जिन्नियां भी असीं करदे हां परमात्मा दे दरबार विच कौड़ी मुल नहीं। हाँ भाई, राग आसा महला पहला पन्ना 412।
सब जप सब तप सब चतुराई ओ जड़ पर मेरा नाम पाई। तो सारे असी उजड़ पे हुए हैं, ये परमात्मा के मिलने का कोई रास्ता नहीं गा। सो आप प्यार ना कहते हैं कि ना जपना मिलता है, ना तपना मिलता है, ना पूजा पाठ ना मिलता है। मैं खुद अपनी जिंदगी का वाक्य दसदा हुंना कि मेरा 8 घंटे का जप सीगा, क्योंकि सिख फैमिली च पैदा होया सीगा। 8-7 बाणियां मेरे जवानी भी कंठ हुंदियां सन। कदे 1 बजे बैठ जाना बाणी पढ़ना, तो 9-10 बजे उठना। जब बाबा बिशन दास के चरणों च गए, उन्होंने बड़े प्यार दे लहजे च पुछया कि कदे अंदरला भी टिकया है? दिल नूं बड़ी चोट लगी। या तो पता होना जो जपजी साहब शुरू करते हैं, तो या सुखमनी साहब का एंड करते हैं, तो बाकी दे समय का ही पता नहीं किधर नूं जांदा हुंदा है। मन साडा होर पासे कलपी जांदा है। जवान ना असीं बाणी पढ़ी जाने हैं, सानू नहीं पता असीं सही पढ़ गए या गलत पढ़ गए हैं। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि अगर पढ़न पढ़ाउण दे नाल परमात्मा मिलदा, तो गुरु नानक इन्हां चीज़ां दा खंडन क्यों करदे? गुरु साहब तां कहिंदे पाठ पढ़े ना कीमत पाए। तो दिन रात पाठ नूं करी जाओ, कहिंदे फिर भी तुहाडे मन नूं शांति नहीं आउंदी। कि जी सब जप सब तप सब चतुराई ओ जड़ पर मेरा नाम पाई। बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम भी हुणे माथे छाई। हुण गुरु नानक देव जी महाराज का कहण है, वो साडे ते रहम करदे है। जिस तरह पहला जद कोई पारी गुनाह कर लैंदा सी, उस नूं अंग्रेजां दे जवाने च काले पानियां च भेज दिंदे सी, जिस नूं 20 साल की सज़ा हो जाती। जद वो कितने अगर जिउंदा आ जाता, तो उस दे मत्थे दे विच तांबे का पैसा तपा के लाया जाता सीगा। उस दे पक्की निशानी हुंदी सी कि ये काले पानियां तो वापस आ गया है। पुछण दी लोड़ नहीं सी, क्योंकि जब मत्थे दे विच निशान होवे तो अपने आप ही पता लग जाता सीगा। तो गुरु नानक साहब कहिंदे है, जब तक थानू किसी महात्मा तो वह नाम का भेद नहीं मिलता गा, तुसी अंदर जाके उस नाम के नाल जुड़ते नहीं गे। कह लगे नाम भी होना मत्थे शाही, कहिंदे उहदे सिर दे विच सुआह पैंदी है, परमात्मा दे भी उहनूं जाके रद्द कर दिंदा है। खोटे तर्क खरे तर्क खजाने पाए, खोटे भरम भला मणिया। साडे अच्छी तरह ऐस जीवन तो बाद परख होनी है। पिछले जवानों के अंदर जो चांदी की करंसी सी, बहुत सारे साड़ी उम्र के प्रेमी बैठे है जिन्होंने चांदी की करंसी खुद चक के फिरदे रहे है, और वासनियां लक्कां नाल बधियां हुंदियां सीगियां। सो जा ऊंठां ते चांदी के रुपए तारदे सी जाके, जब वो रुपए ले जाते थे खजानची के पास, खजानची की करता सीगा कि उसनू अच्छी तरह परखता सीगा। अगर वो खरा है तो वह इधरले पासे खजाने सिड़दा सी, अगर खोटा तो उसे टक ला के रद्द कर दिंदा सीगा। इस तरह साढ़े भी इस जन्म तो बाद हर एक दी, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या अमरीका दे रहन वाला है या हिंदुस्तान दे रहन वाला है या औरत है या मर्द है, इहदे विच कोई फर्क नहीं पैंदा गा, क्योंकि परमात्मा एक है। जिहड़ा न्याय दा देवता धर्मराज है वह भी एक है। तो साडे हर एक दी जीवन जांच इस मौत तो बाद हुंदी है।
अगर असं परख के काबिल परमात्मा के बनते हैं तो अपने खजाने की सचखंड भेज दिता है, खोटे भरम भला बनिया, नहीं तो वह उस कैदी की तरह माथेशाही ला के भेज दिता है, रद्दिया जाता है। फिर असं 84 के आने 84 के चले जाने हैं। 84 कोई छोटी जी चीज नहीं गी, तुसी अच्छी तरह गिण के देख लो सप्पां दी उमरां किन्नियां लंबियां होंदियां हन, कावां दी किन्नियां लंबियां उमरां होंदियां हन, दरख्तां दी बड़ियां लंबियां उमरां होंदियां हन। फिर एक एक जाने च पता नहीं किन्ने किन्ने सानूं उत्थे दफा जीवन मिलना है। कदे असीं पंछी हो जाने हैं, कदे कीड़े फिरदे हैं, जे इंसान दे जाने च आउंदे आ तां वी प्यारे तड़फदे आउंदे आ, तड़फदे चले जाने हैं। बिन दूजे को थाए ना पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा। आप कहंदे ओ सच्चा तनी परमात्मा हर एक दे अंदर है, उस नूं पाउण वास्ते सानूं किसे गुरमुख दा दास बनना पैंदा है। हुण दास बन ते साडा मन तैयार नहीं हुंदा गा, क्योंकि उत्थे जाके फिर असीं मैं आलम है, मैं फाजिल है, मैं तनी है, होना दे विच असी बैठे हैं। हुण जब तक असी किसे महात्मा दे जाके दास नहीं बन देंगे, दास असी उदों बनते हैं कि जो सानू यह पता लग जाए कि संसार सुखन की वत है, ये जो कुछ का असं हंकार कर रहे हैं इत्थे छड़ जाना है जी। साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा, जग मोए बादा बोती आसा, गुरमाती एक पाए उदासा। असे दुनिया दे जीव दिन रात आसां दे विच बजे हुए हैं कि मैं ये जायदाद बना ला, मैं ये घर बना ला, मैं इतना धन दौलत इकट्ठा कर ला, इन्ना मेरा जमा हो गया है, मैं होर कर ला। दिन रात असीं इन आसां दे विच, लेकिन सानू उस प्रभु परमात्मा की प्लैनिंग का ज्ञान नहीं कि जो असी करते हैं उस मालिक की प्लैनिंग की है। आसा पर्वत जिडिया मौत तनावा हेठ, मौत कोले खड़ी है, पता नहीं किस वेले घंटी वज जानी है, कद एक्सीडेंट हो जाना है, कद प्या प्या का ही सह की गतिविधि जी है रुक जानी है, या तुरे जाने में ही गिर जाना है, कोई पता है? तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं जग मो बाधा बहुत ही आसा, गुरमति एक पै उदासा। इस वास्ते जिन्होंने कोई महात्मा मिल जाता है, नाम का भेद दे दिता है, असि खुद उस महात्मा के कहने के मुताबिक सिमरन करके अपने ख्याल में नौ द्वारा च कढ़ के अखां पिछे आके शब्द नाल जुड़ जाने हैं, वो रहिंदे दुनिया च ही है। संत महात्मा ये नहीं कहिंदे कि तुसी पुत्र धीआं छड़ दिओ जां जायदादां छड़ दिओ, बल्कि वो तो यह कहिंदे कि तुसी इन्हां दे विच रहो, जो जिम्मेवारियां परमात्मा ने दित्तियां हन उन्हां नूं पूरियां करो, सिर्फ अपनियां ना समझो कि ये देने वाला परमात्मा है। जब साडा जन्म हुंदा है एक मास का लोथड़ा हुंदा है, असी किहड़े बच्चे नाल लेके आए सी, किहड़ियां जायदादां नाल लेके आए सी, किहड़ा धन दौलत असी नाल लैंदा सीगा, ये सारा कुछ प्यारे सानू इत्थों मिलिया है।
इस वास्ते संत महात्मा दुनिया च सानू रहण दा उपदेश दिंदे आ कि तुसीं दुनिया च रहो, जो तुहानू जिम्मेवारियां करना मुताबक मिलियां उन्हां नूं भी पूरियां करो। पर जिस तरह बटाऊ घर विच आउंदा है उहनूं पता है कि उह अपनी मंजिल ते मैं जाणा है। बटाऊ आके उस घर दा वारस नहीं बणदा, उत्थे रहण दी नहीं सोचदा गा। उहनूं पता है कि मेरा घर तां पिछे है। इसे तरह बटाऊ की तरह दुनिया के, क्योंकि इस घर च जेड़े असी बनाने हैं एक दिन असी बिस्तरा झाड़ के उठ खड़ना है जी। जग मोबादा बोतियासा गुरमती इक पाए उदासा अंतर नाम कमल पर गासा तिन को नाही जम की त्रासा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि साडा जो हिरदे कमल है वो उल्टा होया हुआ है। जो साडा गिलास ही उल्टा रखा हुआ है, पंज सारा साल बारिश हो जाए वो अंदर एक कतरा पानी का नहीं जाता गा। जब उसनों से सीधा करते हैं एक बार सुनी तो दूसरी ना उभरेगा। इस तरह साडा जिहड़ा हिरदे कमल है वह उल्टा होया है। अमृत हर एक दे अंदर वो नाम का टपक रहा है, लेकिन वो माया माया दे पदार्थ काम क्रोध लोभ मोह हंकार पी रहे हैं। वो जरा कतरा कतरा क्यों रहा है हूँ विषय बकार पी रहे हैं, इंद्रिया पी रही हैं, वो खुराक साढ़े आत्मा नूं मिलती है। तो किस तरह हिरदे कमल नूं असीं सीधा करना है, क्योंकि साढ़े सानू पता है कि दरख्त जो खुराक है वह जमीन दे विचो लेंदा है, इंसान उल्टा दरख्त है। ये जो ताकत है ये इत्थों दिमाग तों लेंदा है। तो साड़ी जिहड़ी चढ़ाई है ये उल्ट है, क्योंकि जिवें मौत आउंदी है पैरां दे तलों तों साड़ी आत्मा खिसकना शुरू करदी है। पहला पैर ठंडे हुंदे है, लत्तां ऐसा ऐसा ताड़, सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जो असी इत्थे अखां दे कोले पहुँच जाने हैं तीसरे तिल ते आत्मा शरीर चो उडारी मर जाती है, असी मुरदे हो जाने हैं। इस तरह नाम की चढ़ाई है जिन्हों संत जिंदे मरना कहते हैं। साढ़े भी आत्मा सिमरन के जरिए पैरां दे तले च शुरू हुंदी है। पहले चीटियां जिहियां कटदियां हन, इस तरह पैर सुन हुंदे है, धड़ सुन हुंदा है, लेकिन इहदे नाल असी मरदे नहीं बल्कि मर के जीवन मिलता है। जिस नूं गुरु नानक ने कहा सीगा मूहिआं जित घर जाइए तित जीव दिआं मर मार। कहिंदे जिथे मर के जाना है तुसी जिंदे जी उत्थे पहुँच सकते हो। इसे नूं बुले शाह ने कहा सी मैं नित नित मरा नित नित जिया मेरा नित नित कूच मकान। अभ्यासी रोज मरदा है रोज जिंदा है। फिर असी हौली हौली जिस काम की रोज प्रैक्टिस करांगे अभ्यास करांगे उहदे विच महारत हो जाती है। जद इहदे विच महारत हो गई तुसी अखां बंद करो तुसी उत्थे पहुंच जाने हो। खोलो संसार चों सोए जागे रहे उताने। इसे नूं कबीर साहब ने कहे आंख ना मुंदू कान ना रूंदू काया कष्ट ना धारूं खुले नैन में हस हस देखूं ते सुंदर रूप निहारूं। अंतर नाम कमल पर गासा
तिन को नाही जम की त्रासा। थोड़ा प्यार ना कहते हैं जब असी हिरदे कमल नू सिद्धा कर लेने हैं, आत्मा उस शब्द के रस नू पींदी है, असी जमा दे पै तो मुक्त हो जाने हैं। साड़ी मौत दे वक्त जम नहीं आउंदे गे, गुरु आएगा, गुरु संभाल करेगा। मैं तुलसी साहब का कई दफा सत्संग सुना होना है कि किस तरह जेड़ा सतगुरु है वह सज्जे पासे बैठा है, काल खब्बे पासे है। जदों साड़ी आत्मा शरीर नू खाली करके तीसरे तिल ते जांदी है तो उदों अगर सानू नाम मिलिया है, गुरु मिलिया है, तो वह उत्थे संभालदा है। अगर नाम नहीं मिलिया फिर की है, काल दाड़ में आए चबानी, उत्थे काल भी मूँह फाड़ी खड़ा हुंदा है। तब ठरके नैनन से पानी, उस वेले बाहर बात नहीं कर सकदा गा, अखां चो पानी चालू हो जाता है, क्योंकि कोई गुरु नहीं बचाउण वाला, कोई पीर नहीं बचाउण वाला। महाराज सावन सिंह कांगड़े दे अंदर सत्संग कर रहे सीगे, उत्थे एक फौजी आया, उहदी लकड़ दी लत लगी होई सी। ओ अपना दर्द दसन लग्या, अपना तजर्बा दसन लग्या। महाराज जी कहन लगे असी सत्संग कर लिए, तू फिर जो कुछ बोलना बोल ली। महाराज ने सत्संग किया, उन्हें सारी हालत दसी कि किस तरह जी असी इटली दे फ्रंट दे उत्ते जद लड़ रहे सीगे, उत्थे साडे नज़दीक आके बंब गिरिया, उत्थे बहुत आदमी फटड़ होए, बहुत सारे मर गए, जिन्हां दे विचों कहिंदा मैं भी सीगा, मैं भी बड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया, मेरा एक पासा जिहड़ा सीगा ये इतना जख्मी होया कि कोई बचण दी आस नहीं सीगी, उम्मीद नहीं सीगी। तो उस वेले मैं खुद अखां नाल थानू देखिया कि मैनू किस तरह तुसी गड्डी दे विच पा के हस्पताल छड़ के गए हो। और उत्थे हस्पताल दे अंदर मैं एक पासे पिया रहा, एक तो जख्मी सीगा, वो जख्मी वाले पासे तो जख्म सीगा ही, लेकिन वो एक पासे पैंड करके वो पासा भी खराब हो गया। तो जेडे उत्थे ज्यादा मरीज इस तरह के सीगे जिन्हां दे कोई उम्मीद नहीं सी बचण दी, तो आर्मी क्योंकि जिहड़ा दुश्मन सी उस वेले हिटलर, वो उस वेले एडवांस कर रहा सीगा, अगे वध रहा सीगा। तो उन्होंने बनाया प्रोग्राम, बई ये जेड़े इन्हां दी उम्मीद नहीं कोई, इन्हां दे टीके ला दिओ, ये मर जाण, जिन्हां दी कोई आस सी उन्हां नूं उन्होंने पिछे हटा लिया। वो कहिंदा जी मेरा भी नाम उन्हां टीके वालां दे विच सीगा, जद वो डॉक्टर आया टीका लाउण वास्ते, इंजेक्शन जिहड़ा मैनूं देना सी मौत दा, मैं बेनती कीती कि मार बई मैनूं तुसीं ना दिओ, पर मैनू पता लग्या भी उदों मेरे इंजेक्शन लग चुकिया सीगा, तो मैनू हरा हरा नज़र दे विच आ रहा सीगा। मैनू उन्होंने चुक के तो वह नाले दे विच सुट दिता, जिहड़ा साथ ही हस्पताल दे वग रहा सीगा, जिहड़े ठीक लगे उन्होंने वह पिछे हटा लगे। और मैं अखां ना देखिया कि महाराज जी कार ते आए तुसी, और मेरी मैनू चक के ते बाहर रख दिता। इतने नूं हस्पताल वालिआं दी गड्डी आई, और उन्होंने कहा भी चलो इसनों तो हुण ले ही चलो, जिहड़ा बाहर ये विचारा सहकदा है, उन्होंने मैनू लै गए है। तो हुण मेरे आ लकड़ दी लत लगी हुई है, मैं चल फिर सकदा है, पर मेरी आर्थिक हालत जिहड़ी है वह काफ़ी मंदी है। महाराज जी नूं गल्लां सुना रहे सी, महाराज कहिंदे वी देख प्यारिया मैं तां कांगड़े दे विच बैठा हाँ, इन्हां नूं पुछ लै कि मैं जे कि गया था, क्योंकि संत कदे भी ये ना वडियाइयां जी नहीं आते गए। वो आता जी ठीक है, तुसी तो बेशक शरीर करके नहीं गए, पर मैं जो कुछ देखिया वह अखां दे नाल देखिया है। जब महाराज जी बाहर जाण लगे वो अगे आके फिर लम्मा पै गया कि जी मैनू बड़ा कष्ट है, आर्थिक हालत उन्होंने पेंशन कट लाई है। महाराज कहिंदे देख बई हुण तैनू तसली तो हो गई है ना, जिस मालक ने तेरी पहला रख्या करी है वह हुण भी करेगा। आ साडा सेवक
इथे तहसीलदार साहब बैठे है, तू इनू लेके अगे जाके दरख्वास्त दे, आपकी हालत लिखी, तेरी अच्छी पेंशन हो जाएगी। कहण दा भाव मेरा यह है कि जेडे असी सेवक नाम लेके कमाई करते हैं, वो आपकी जिंदगी च ही देख लेंगे कि गुरु साड़ी किस तरह दुनिया च भी संभाल करते हैं और अगे जमा के हवाले भी नहीं होण दिंदे गे। अंतर नाम कमल पर गासा, तिन को नाही जम की त्रासा, जग त्रे जित कामण हितकारी, पुत्र कलतर लग नाम विसारी। हुण गुरु नानक देव जी महाराज साड़ी हालत बयान करते हैं कि साडा कादे विच प्यार है, कोई औरत दा भगत है, कोई धन दा भगत है, कोई कौम दा भगत है, कोई परिवार दा भगत है, नाम नू वसार दिता, नाम नू भुल गए, पैसा पीर रन गुर जिधर आखण उधर तुर, असी की करते हैं, नाम नू छड़ दिता है जिन्हें साढ़े साथ जाना है। जब मौत आती है प्यारे ओ, ना उदो पुत साथ जाता है, ना धी जाती है, ना कोई साड़ी कौम ने मदद करनी है। सच्चाई तो यह होंगी है, मेरे पास बुढ़े आके काफी कहते हैं अगे जी जेड़ा कुछ सीधा वह तो बच्चों ने सांभ लिया है और हुण असी ना जे इत्थे तुसी मौका दे डेरे ते इत्थे भजन करिए। हुण तुसी दसो कि जो पहला सारा कुछ तुहाडे कोल सी उदे तां कहा ना भी इत्थे डेरे च आके भजन करिए। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे आ जिहड़े इत्थे बैठिया बैठिया सारा कुछ खोह लैंदे आ कि उह तुहाडी मदद करनगे, कि तुहाडे नाल जाणगे। वो जिस नाम ने नाल जाना है, जिन्हें साड़ी रखिया करनी है, उदे वास्ते असी कदे भी किन्ने किन्ने पुत्रां दी खातर, तियां दी खातर, धन दौलत दी खातर असी तोपांगे जा खड़दे हैं, किन्नियां किन्नियां ठगियां बेमनियां करते हैं, लेकिन नाम वास्ते कदे किसी ने कोई दर्द महसूस किया, कोई विछोड़ा महसूस किया, कोई रात जागया जी। जग त्रै जित कामण हितकारी, पुत्र कलतर लग नाम विसारी, बेरता जन्म गवाया बाजी हारी, सत गुर सेवे करनी सारी। हुण आप प्यार ना कहंदे आ बिरथा शराबां कबाबां दे विच दुनिया दी मान वडेई दे विच जन्म बर्बाद कर दिता। जिन्ने असी ज्यादा विशे भोगदे हैं उतने ज्यादा उदास हुंदे हैं, उन्ने ज्यादा परेशान हुंदे हैं, बल्कि बुढ़ापे दे विच आके उन्हां वेलियां नूं याद करके असी पछताने हैं, लेकिन फिर की पले पैंदा है। सारिया करनिया दी केड़ी करनी है, गुरु की सेवा। हुण गुरु की सेवा मन कर नहीं दिंदा गा, इत्थे बड़ा सवाल पैदा हुंदा है कि गुरु की सेवा जिहड़ी है, आप प्यार ना कहंदे है कि गुरु तो साथों कौड़ी नहीं लैंदा गा। अगर वह साडे घरां च आके मंगदा है तो गुरु नहीं, ऐसे गुरु के तो पैरां ते मत्था ना टेको जाके। गुरु नानक दी बाणी पढ़न वाले भी असी इत्थे आके गलती कर जाने हैं। तो गुरु नानक की कहंदा, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल ना लगी पाए, काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। गुरु पीर सदा के, महात्मा सदा के, फिर लोगों के घर के मंगण वास्ते जाता है। तो आप कह लगे ऐसे नूं तां पैरां ते मत्थे ना टेको। किस महात्मा कोले जाना जिहड़ा दसों नौ दी किरत करता है।
साध संगति मुफ्त सेवा करता है। गुरु नानक ने करतारपुर खेती करी, आप दी परवरिश कीती, साध संगत दी सेवा कीती। इस तरह कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना उणिया, बल्कि उन्हां दे राजे महाराजे सेवक सन, बड़ा शक्तिशाली वीर सिंह बघेल सिंह उन्हां दे राजे सेवक सन, शाह बलख फखारा उन्हां दा सेवक सीगा, बल्कि घरदियां नूं कहिंदे सन कि तुसी दाने चब लिया करो, जड़ा थोड़ा बहुत फुलका पकाने हो इस संगत नूं दिया करो। हाँ, लोई ने जिक्र किया है, हमको चावन उनको रोटी, कहिंदे तुसी दाने चबिया करो, रोटी इन्हां नूं दे दिओ। इस तरह मुहम्मद साहब ने सुदागरी कीती, नामदेव ने शालां रंगियां, साढ़े सतगुरां दी साढ़े सब दे सामने मिसाल है। सो इस वास्ते आ प्यार ना जो सतगुरु सेवा दसदा है, वो जद नाम दिंदा है उस वेले बेशक डॉक्टर मरीज दी बीमारी नहीं लैंदा गा, पर दवाई तां दिंदा है, जिहड़ा वो दवाई नूं खांदा है, परहेज रखदा है, उहदी बीमारी दूर हो जांदी है। इस तरह कुछ ड्यूटियां सेवक दियां भी है जिहड़ियां संत लाउंदे आ नाम दे वक्त, कि देख प्यारे आ दसनोहां दी किरत दा अन्न खाणा है। जिहड़े अभ्यास करदे उहनां नूं पता है, अभ्यासी सत्संगी अगर किसी ऐरे गहरे दे घर दे विचों खाणा खा ले, उहदे उहदा भजन नहीं बनेगा। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि गुरु दी सेवा जिहड़ी है नाम दा जपना, बाकी जो सानू साध संगत दी सेवा मिलदी है वह गुरु लांदा है। हुण तुसी देख लो, जे आपां साध संगत दी सेवा ना करांगे ते इत्थे आ के कौन खाणा बनाएगा बई। इह तां असीं बनाउणा असीं खाणा है। फिर यह है कि साध संगत की सेवा बड़ी उची है, सुची है। सेवा तो मन साडा देखा देखी कर लेंदा है, नाम तो फिर नहीं बैठन दिंदा गा। हाँ, मेरे ता जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों में कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए। बारों तो बहुत कुछ महात्मा बन के दिखाता है, होमै है कि मेरे वर्गा कौन है, मैं इन्ना पढ़िया लिखिया, मैं इन्ना दान कर लिया है, अंदरों मुक्ति वास्ते लेप भी उस पासे तुरदा नहीं, क्योंकि मुक्ति का रास्ता तो संतां दे पास है। शब्द नाम दी कमाई है, उस पासे असीं जांदे नहीं जी। बारों में कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, पाया मोगुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय आए। जिमें जिमें असी पहाड़ दी तरफ जाने हैं, उवें उवें शर्दी वधदी जांदी है। जिमें जिमें असी संतां तो नाम लैके कमाई करदे हां, उवें उवें साडे अंदरों विषय वकार भी घटने शुरू हो जांदे है, दुनिया दी आशा तृष्णा भी कम होनियां शुरू हो जांदियां हन जी। पाया मोगुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय आए, तावत राखे
ठाकर आए। सिख संगत कर्म मिलाए। आप प्यार ना कहंदे है जदों परमात्मा सानू शुभ कर्मा दा इनाम दिंदा है, सानू महात्मा दी संगत रसोब दे विच लियांदा है, जद होर भी परमात्मा साडे ते मेहर करदा है तो साडे अंदर वो नाम दी इच्छा प्रगट हुंदी है। जद महात्मा मेहर करदे है सानू उस नाम दा दान दे दिंदे है। सानू पता है कि जो दान है ये देने वाला किसी ते आसान नहीं करता हुंदा गा। इस तरह संत महात्मा आपदी आत्मा दा दान दिंदे है, जिहड़ा कि ना किसी दे उत्ते इहदा आसान करदे है, ना कोई फीस ही मंगदे है। जन परोपकारी आए जिया दान दे अपने, जिया दान दे भगती लैण हर सो लैण मिलाए। कौन किसी नूं आपदी आत्मा दा दान दिंदा है, इह उह मालक दी तरफों आपदे प्यारियां नूं भेजदा है जिहड़े सानू आपदी आत्मा दा दान देण वास्ते आउंदे है, मालक दी भगती दे विच लाउण वास्ते आउंदे है जी। तावत राखे ठाकर आए। सिख संगत कर्म मिलाए। गोर बिन पूलो आवे जाए। नदर करे संजोग मिलाए। असी तां कहने सानू गुरु की लोड़ नहीं, लेकिन गुरु नानक की कहंदे है गुरु बिना यह भुलिया है, गुरु बिना उजड़ च फिरदा है, गुरु बगैर इनू रस्ता ही नहीं मिलता गा। इस वास्ते आउंदा है, जांदा है, जमदा है, मरदा है, लेकिन जब पूर्वला संजोग जाग पैंदा है। गुरु नानक साहिब कहंदे है नानक सतगुरु तिन्ना मिलाया जिन्हां तुरों पिया संजोग, जिहदा तुरों परमात्मा लिख दिंदा है। नहीं तो गुरु नानक साहब कहंदे आ भागहीन गुरु ना मिले निकट बैठे नित पास। गुरु नानक की हिस्ट्री पढ़ के देख लो तुसी, उन्हां दे माता पिता उन्होंने सारी जिंदगी पागल ही कहंदे रहे, उठते ही रहे, होरां कोले फरमाइशां पाउंदे रहे कि भाई तुसी इस नूं कम विच लाओ। जे उन्होंने ये पता हुंदा कि कुल मालक है परमात्मा ही साडे घर विच आया है तो वह तो फायदा ना उठाउंदे। लेकिन जदों आखर बजुर्ग होए फिर उहनूं जाके समझिया, बेनती कीती कि भई सानूं तेरे राज दा ज्ञान नहीं गा। सो कहण दा भाव मेरा इतना ही है कि गुरबिन भुलिया होवे जावे, इह जी भुलिया होया है। गुरु नानक कहिंदे बगैर गुरु रस्ता नहीं मिलदा। गुरु साहिब गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै। गुरु साहिब कहंदे आ कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। तुक तुक कहो नानक प्रभ ए है जनाई, ते बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई। सानू तां गुरु साहिब कहंदे परमात्मा ने यह दस्या कि प्यारियो परमात्मा आपदे मिलन दा कोई साधन तरीका रखदा, उन्हें यही रखिया है। सतगुरु विच आप रखे उन सब सुने लोग सवाया। आप कहते सारी दुनिया से होका दे के कहने है वह परमात्मा ने खुद रखिया होया है। हाँ ये जरूर सोचना है कि गुरु पूरा गुरु की बाणी दे विच इस चीज ते जोर दिता है। पूरा गुरु कौन है जो शब्द की कमाई करता है, नाम की कमाई करता है, वो दाता बन के आता है जी। गोर बिन पूलो आवे जाए। नदर करे संजोग मिलाए। बूढ़ो को न कह आ जाई, अकात कथो ने कीमत पाई। सब दुख तेरे सुखर जाई। सब दुख मेटे साचे नाई। सब तो बड़ा जड़ा कष्ट है वो जम्मण और मरन दा है।
वैसे भी जिन्ने भी असी दुनिया की जिंदगी च कष्ट भोग रहे हैं यही सानू जिवें वेलड़े भी दी कढ़ दियां बीमारियां ऐ कढ़ दियां किधरे गरीबी का दुख है किधरे मौत दे दुख है। तुसी पुछो जिन्हां दे गभरू पति साथ छड़ जांदे है जां पत्नियां छड़ जांदियां हन जां जवान बच्चे गुजर जांदे है तुसी उन्हां नूं देखो रात नूं नींद नहीं आउंदी गी। सो ये की ये दुख नहीं गे ये क्यों सानू ये दुख तुसी ये झलणे पए बई प्यारे हो कि असी परमात्मा नूं मिले नहीं गे असी दुखां दी दुनिया विच आए हैं असी कज्जल दी कोठड़ी विच आए हुए हैं। गुरु नानक ने नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार सिर्फ जिसने नाम का आसरा ले लिया क्योंकि नाम दुख सुख तो उपर सानू लै जांदा है दुख सुख व्यापे नहीं जहां आत्म नाम प्रकाश। जिंदगी दे विच संतां नूं भी कष्ट आउंदे हैं लेकिन उन्हां दी जिहड़ी सुरत है वह बड़ी उच्ची उठी हुंदी है। हाँ भाई सब दुख तेरे सुखर जाई सब दुख मेटे साचे नाई अरबिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता साच निहाला। हम गुरु नानक साहब कहंदे केड़े कीर्तन तुसी करके केड़े नु सुन के तुसी मुक्त होंगे क्योंकि गुरु नानक दी बाणी शक नहीं रहन दिंदी की। कहन लगे कि जिस वाजे दा मैं जिक्र करदा है वह हत्थां दे नाल नहीं बजाया जांदा गा और जिस ताल का मैं जिक्र करदा हूं पैरां नाल नहीं पूरे जांदे गे क्योंकि नचण कुदण मन का चाओ जिहड़े आपां हत्थां नाल वाजे वजाउने हैं वह जां वजाउण वाला थक जाएगा या वाजा खराब हो जाएगा ज्यादा वज के दो चार घंटे वजावांगे या पैर थक जाएंगे या हाथ थक जाएंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं देखो प्यारे हो जिस वाजे का जिस कीर्तन का मैं जिक्र करता है वह पदेश तो लैके शुरू होता है मौत वेले बंद होता है करविन वह वजदा है बगैर हत्थां तो और पैरां तो बगैर वह ताल पूरी का है वह बिना बजाया जंत्र साढ़े अंदर वह परमात्मा खुद ही वो पैदा करता है असी उसनू सुनना है। जिसनू गुरु नानक ने कहा हर कीर्तन है साध संगत सिर करमन कै करमा कहो नानक तिस भया प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। जदों से अपनी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पढ़ते लेके पारबण दे उत पहुंच जाने हैं उत्थे अखंड कीर्तन हो रहा है उहदे नाल जाके जुड़ना है। जिसनू गुरु नानक ने कहा नौ दरवाजे तावत रहाए दसवें निज कर वासा पाए उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुना बणिया। जदों अपनी मत छड़ दिंदे आ गुरु की मत संत की मत ते चलदे हैं तां जाके उसनू असीं सुणदे हैं। जी कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता साच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रिभवन सूजे आप गवावे बाणी बूजे सा
ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਕਿਤੇ ਜਪਾ ਜਾਪ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਸੇ ਲਗਲਾਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਾਫ ਹੈ ਬਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜੈ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਬੂਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤ ਦੇਹ ਚ ਕਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜੈ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਬੂਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਨ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜੈ
आप गवावे बाणी बूझे साच समावे शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवारण